स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि क्या हमारे आसपास जो सारे मैटर है वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। अब अपन देखेंगे कि हम कौन से मैटर को तो प्योर कहें और कौन से को इम्प्योर कहें। इसके लिए अपन प्योर सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इट कंटेन सिंगल टाइप एटम, मतलब हम उस सब्सटेंस को प्योर कहेंगे जिसके अंदर एक ही टाइप के क्या हो, एटम हो, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिल्वर एक्सेट्रा। सेकंड है कि इट कंटेन मोर टू और मोर सब्सटेंस, मतलब जो प्योर सब्सटेंस है उसके अंदर टू या उससे ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि CO2, NaCl एक्सेट्रा। थर्ड है कि इट इज परफेक्टली होमोजीनियस। ये कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस के बारे में आप जानते हो, जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम हो। नेक्स्ट है कि इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि सॉल्ट है, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो क्या सॉल्ट में ऐसा होता है कि यहाँ पे Na आ गया, फिर Na आ गया तो नीचे नीचे क्लोरीन आ रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। इसका कंपोजिशन कैसा है, यूनिफॉर्म, पूरे सॉल्ट में NaCl 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 इस फॉर्म में होगा, ना कि ऊपर Na Na आ गया फिर नीचे Cl Cl आ गया। तो इसका जो कंपोजिशन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इट हैज फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जो आपका प्योर सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स होना चाहिए किसी भी कंडीशन के लिए। नेक्स्ट देखिए सिक्स, इट क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट और कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस है उसको एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया है। एलिमेंट में क्लासिफाई किया गया है इसलिए तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एलिमेंट क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल टाइप एटम हो, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं ना एलिमेंट, तो एक ही टाइप के एलिमेंट है। सेकेंड है कंपाउंड, मतलब टू और मोर सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि CO2 NaCl। अब प्योर सब्सटेंस के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से, देखिए आयरन, सिल्वर, सोल, कार्बन डाइऑक्साइड।